हिसार में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मैं यहां पर पहुंचा था और हमारे सभी वरिष्ठ साथी, हमारे लोकसभा के इंचार्ज, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, सभी वरिष्ठ साथी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके हिसार में आम आदमी पार्टी के इस नए चैप्टर की शुरुआत की है। ये पार्टी जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होता है वैसे वैसे पार्टी की इकाइयां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, गांव के लेवल पर ऑफिस खुलते जाते हैं और पार्टी का विस्तार होता जाता है। ये उस कड़ी में आज एक नया अध्याय हिसार आम आदमी पार्टी में जुड़ रहा है, जहां पर जिला कार्यालय खोल करके सभी कार्यकर्ताओं के बैठने की एक जगह हो गई है, कॉमन प्लेस हो गया है, जहां पर कार्यकर्ता मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे से आगे की योजनाएं बना सकते हैं, पार्टी की रणनीतिक बैठकें हो सकती हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये पार्टी के विस्तार में बहुत काम आती हैं और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से हरियाणा के अंदर विस्तार कर रही है, ये उसकी पहचान। सर, बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं 10 की 10 सीटों पे जीतेंगे और सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तब से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर खुल गए हैं और ये इस बात की निशानी है कि 195 सीट शायद कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की पूरे देश के अंदर, लेकिन हरियाणा में एक भी सीट की घोषणा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए शायद मोदी जी ये चाहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। सीबीआई, ईडी सबकी धमकियां दिलवाते थे कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, हरियाणा में गठबंधन नहीं हो। बार बार इसके लिए धमकियां भी दी जाती थी कि गठबंधन तोड़ो, गठबंधन तोड़ो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने देश को ध्यान में रखते हुए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन से जुड़ना तय किया और उसी का परिणाम है कि आज के दिन में इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर एक मजबूत ताकत है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ रहा है, रीथिंक करना पड़ रहा है अपने तमाम उम्मीदवारों पर और वो एक भी उम्मीदवार घोषित करने की, पहली लिस्ट में एक भी उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर। सर, जो विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो पंजाब के जो इन्होंने आप पार्टी ने हरियाणा के जो किसानों के लिए पानी नहीं दिया है तो पहले पानी देके दिखाए, पहले भाईचारे की बात करते हैं हरियाणा पंजाब के जो किसानों। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे नहीं याद आता कि कौन सा विपक्ष ऐसा है जो अगर भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली नहीं है तो वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभी एक समझौता किया राजस्थान के साथ और हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को देने का फैसला कर लिया, बिना हरियाणा के लोगों से पूछे हुए, बिना हरियाणा के लोगों को रजामंद किए हुए। हरियाणा के जिस हिस्से में पानी की कमी है, जिसके लिए बार बार दो प्रदेशों के बीच में झगड़ा पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रहती है, अगर हरियाणा के पास एक्स्ट्रा पानी था तो उस हिस्से को देने से पहले राजस्थान को क्यों दिया गया, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दावा करते थे कि मैं सब स्टेट्स में जो भी किसान के को पानी की कमी है उनको पानी पहुंचाऊंगा, उनके उस वादे का क्या हुआ? 5 साल बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया, किसी एक मीटिंग में शामिल नहीं होते। इसका मतलब यह है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने के लिए, हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वाने के लिए ये लोग राजनीति के तहत इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। अगर वाकई में इस तरीके की दिक्कत होती, अगर वाकई में इनकी नीयत ये होती कि हरियाणा के किसी हिस्से में पानी की कमी और वहां पर पानी पहुंचाना है, तो जो राजस्थान के साथ समझौता किया पानी देने का, वो पानी पहले हरियाणा के उस हिस्से की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके बाद किसी और स्टेट के साथ समझौता करना चाहिए। सर, आप पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति रहेगी पूरे प्रदेश में हरियाणा में? आम आदमी पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है, कुरुक्षेत्र सीट हमको मिली है और जैसा कि आप समझते हैं कि कुरुक्षेत्र प्रतीक है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक है, धर्म युद्ध में जीत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से करेगी आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जीतेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है और ये भारतीय जनता पार्टी में खौफ नजर भी आने लगा है। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां से खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि दोबारा से अपने अध्यक्ष को भी
घोषित कर दें वहां से उम्मीदवार के रूप में। इसलिए पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 सीटों पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से इंडिया गठबंधन बना है हरियाणा के अंदर उनके अंदर डर है। उनको साफ स्पष्ट समझ में आ गया है कि न सिर्फ जोरदार मुकाबला हरियाणा में होने जा रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पटकनी मिलेगी, क्योंकि किसानों के ऊपर जो अत्याचार करता है, अन्नदाता के ऊपर जो अत्याचार करता है और हरियाणा के हर एक वर्ग पे भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार किया है, लोग चुनाव के माध्यम से उसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सर, एक तरफ ये चर्चा चल रही है नवीन जिंदल बीजेपी में आ सकते हैं और दूसरी तरफ अभी तक नहीं आए, तो क्या लगता है आपको वो सपोर्ट करेंगे कुरुक्षेत्र में, तो पूर्व सांसद रहे? देखिए, समय बताएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अंतरात्मा जिसकी आवाज देती हो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। बहुत से लोग इस बार आपने देखा होगा कल से मैसेज चल रहे हैं, बहुत से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हाथ खड़े कर गए, बोले जी इस बार नहीं हमें चुनाव लड़ना, हमें तो इस बार इजाजत दे दो, हमें तो पॉलिटिक्स से बाहर जाने की इजाजत दे दो। ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल की अपनी सरकार में मोदी जी ने जो अत्याचार किए हैं लोगों के ऊपर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सांसदों को भी समझ में आ रहा है कि दोबारा उनका संसद पहुंचने का कोई कहीं दूर दूर तक अंदेशा नजर नहीं आता है। इसलिए लोग टिकट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी भी बड़े पैमाने पर अपने सांसदों के टिकट बदल रही है। सर, आम आदमी पार्टी के पास एक ही टिकट है और पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, जेजेपी ने आम आदमी पार्टी को साथ नहीं दिया, क्या ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एक कुरुक्षेत्र में साथ दे पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए बनाया गया है। आज देश का हर नागरिक ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के दौरान, ही अगर मैं उदाहरण दूं तो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं जिन पे देश के हर नागरिक की आजादी टिकी हुई है, उनमें से 2 मौलिक अधिकारों को छीन लिया। एक अधिकार 19(1)(b) जो ये कहता है कि अगर मुझे सरकार के किसी फैसले से संतुष्टि नहीं है तो मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, इन्होंने हमारा प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लिया। कहते हैं पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, कहते हैं जेल में डाल देंगे, 307 की धारा लगा दी किसानों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो मौलिक अधिकार है वो जब छीना तो हमारी आजादी छीनने की कोशिश की। और दूसरा मौलिक अधिकार जो ये कहता है हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, कीलें गाड़ दी, सीमेंट की दीवारें बना दी। तो ये हमारे मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, मतलब हमारी आजादी छीन रहे हैं, मतलब हमारा संविधान छीन रहे हैं, मतलब हमारे संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं। पूरे देश में लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, पारस्परिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं कई पार्टियां, वो भी इस गठबंधन के अंदर एक हुई है। तो सिर्फ इसलिए एक हुई है क्योंकि देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाना है। देश का संविधान बचेगा तभी चुनाव होंगे, तभी अच्छे और बुरे के बीच में से आप एक को चुन पाएंगे। लोगों को ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को गया एक एक वोट तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ कदम होगा और इंडिया गठबंधन को पड़ा हुआ एक एक वोट तानाशाही से देश को बचाने की तरफ एक एक कदम होगा, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की तरफ कदम होगा।